What's up guys, this is Nishant from Pro Methods. आज का टॉपिक है चेस्ट की ट्रेनिंग, कि कैसे आप चेस्ट के मसल को फील कर सकते हैं और उसे अच्छे से एंगेज कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सो गाइज, काफ़ी अच्छा लिफ्ट करने के बाद या डिफरेंट वेरिएशंस को यूज़ करने के बाद भी आप अपने चेस्ट के मसल को फील नहीं कर पा रहे या फिर उसका डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पा रहा, तो ये हम कैसे ठीक कर सकते हैं और क्या स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले नंबर वन, समझिए कि चेस्ट की एनाटमी क्या है, चेस्ट का मसल कहाँ से ओरिजिनेट होता है और कहाँ पर इंसर्ट होता है। चेस्ट का मसल कुछ फैन शेप्ड है जो कि यहाँ से ओरिजिनेट होता है, यानी स्टर्नम से ओरिजिनेट होता है और इंसर्ट आपके ह्यूमरस यानी आपके हाथ पे अटैच होता है। यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे अटैच हुआ। मसल, चेस्ट का मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा? जब आपका इंसर्शन जहाँ पे अटैच हो रहा है, यानी ये वाला पार्ट, दिस इज पॉइंट बी, जब पॉइंट बी पॉइंट ए के क्लोज आएगा तब आपकी चेस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। और यही आइडिया होता है हमेशा कि मसल्स को फुली कॉन्ट्रैक्ट करना, इससे आपकी हाइपरट्रॉफी काफ़ी अच्छी रहती है। दोबारा से रिकैप करते हैं कि इंसर्शन को ओरिजिन के क्लोज लेके आना है। यू हैव नोटिस्ड कि जब भी आप बेंच प्रेस मारते हैं यानी बारबेल को यूज़ करते हैं वाइल डूइंग एनी प्रेस, तो आपकी जो मूवमेंट होती है वो कुछ इस तरह होती है। आपकी बारबेल भी ट्रेनिंग पे, जब आप बारबेल भी ट्रेन करते हैं तो आपको बारबेल अलाउ नहीं करता कि इंसर्शन को ओरिजिन के क्लोज ला पाए। बट इन द केस ऑफ डंबल यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग द इंसर्शन क्लोजर टू द ओरिजिन, ठीक है, इस केस में आप फुली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर यू अप्लाई द सेम स्ट्रैटेजी ऑन द पेक फ्लाई एंड ऑन द क्रॉस केबल, लाइक दिस, सी, सो देयर इज वेरी लेस गैप इन बिटवीन, दैट मीन्स इंसर्शन एंड ओरिजिन के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, लाइक दिस ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जब भी डंबल पे एक्सरसाइज करते हैं तो काफ़ी बेनिफिट करती है चेस्ट ट्रेनिंग के इसके अंदर। सेकेंडली, कोशिश कीजिए कि आप अपने शोल्डर्स को एंगेज ना करें, यानी कि अपने शोल्डर्स को प्रोट्रैक्शन में लेके ना आए। जैसे कि आप नोटिस करते हैं कुछ लोग जब प्रेस कर रहे हैं तो वो शोल्डर्स को कुछ इस तरह से आगे लेके आ रहे हैं, या पेक फ्लाई कर रहे हैं तो वो इस तरह से कर रहे हैं, राइट? ऑलवेज रिट्रैक्ट योर शोल्डर्स, ब्रिंग योर चेस्ट फॉरवर्ड, शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करिए, चेस्ट को आगे रखिए एंड देन पेक फ्लाई या फिर बेंच प्रेस, ठीक है। एंड मेक श्योर आप इसी पोस्चर में रहें थ्रू आउट द मूवमेंट, ठीक है, हमें इस मूवमेंट में नहीं आना, यानी प्रोट्रैक्शन में नहीं आना, ऑलवेज रिट्रैक्शन में आना है। थर्ड, फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन कीजिए। फुल रेंज ऑफ मोशन का मतलब है कि आप मसल को अलाउ कीजिए कि वो फुली लेंथन और फुली शॉर्ट हो पाए। दिस इज द लेंथनिंग ऑफ द मसल एंड दिस इज द शॉर्टनिंग ऑफ द मसल, ठीक है। तो पेक फ्लाई के केस के अंदर मसल यहाँ पे लेंथन हो रहा है और यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है, तो हमेशा फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन कीजिए, इससे आपकी मोबिलिटी भी अच्छी होगी और साथ ही आपका जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छा होगा, यानी अच्छे मसल आप बिल्ड कर पाएंगे। इसके साथ में एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि ईसेंट्रिक मूवमेंट को, यानी कि जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स ईसेंट्रिक, ठीक है, एंड दिस इज कंसेंट्रिक। ईसेंट्रिक जब बेंच प्रेस कर रहे हैं, जब बार आपकी नीचे जा रही है, दैट्स ईसेंट्रिक, एंड जब पुश कर रहे हैं दैट्स कंसेंट्रिक, जब मसल शॉर्ट हो रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि ईसेंट्रिक मूवमेंट को कंट्रोल करना है। एज पर द रिसर्च, जब भी आप ईसेंट्रिक मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, यानी उसका टेम्पो 3-4 की स्पीड पर रहता है, तब उस केस के अंदर हाइपरट्रॉफी काफ़ी बेटर होती है। तो कोशिश कीजिए कि अपना टेम्पो यानी स्पीड को मेंटेन कीजिए वाइल डूइंग एनी प्रेस और एनी फ्लाई मूवमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक श्योर कि आप ब्रीथ करेक्ट करें, यानी कि जब भी आप स्ट्रेच यानी लेंथनिंग कर रहे हैं मसल का, तो इनहेल एंड देन एक्सहेल। सो गाइस, जो भी हमने कवर करा है अब उसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि वर्कआउट में से कैसे इम्प्लीमेंट करना है और सारी जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो कैसे काम करती है।
यूजली जिम के अंदर जब प्रेस करते हैं लोग तो शोल्डर्स को प्रोट्रैक्शन में लेके आते हैं, देखिए कैसे होता है। इस केस के अंदर जब ये प्रेस कर रहे हैं, जब ये ऊपर की साइड कंसेंट्रिक मूवमेंट में प्रेस कर रहे हैं, तो जो शोल्डर इनका है वो प्रोट्रैक्शन में जा रहा है। आइडली हमें क्या चाहिए, हमें शोल्डर रिट्रैक्शन में चाहिए। एक बार रिट्रैक्शन में करके देखते हैं। जैसे शोल्डर को रिट्रैक्ट करेंगे, यानी कि अपने शोल्डर ब्लेड्स को बैक के अंदर, अपनी अपर बैक को शव करेंगे पैड के अंदर, तो हमारी चेस्ट अप रहेगी और बैक शव रहेगी। इसेंट्रिक मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे, इसेंट्रिक को 3 सेकंड के अंदर कंप्लीट करेंगे और कंसेंट्रिक 1 सेकंड में जाएगा। सो दिस इज हाउ यू प्रेस। अब इसी चीज को फ्लाई की मूवमेंट में कवर करके देखते हैं कि फ्लाई की मूवमेंट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसको। अगेन चेस्ट अप रहेगी, आपकी अपर बैक शव रहेगी पैड में और फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करेंगे। चेस्ट अप, फुल रेंज ऑफ मोशन मतलब कि पूरा चेस्ट को अलाउ कीजिए स्ट्रेच होने के लिए, ठीक है। और फिर यहां से यानी कि इंसर्शन और ओरिजिन क्लोज आएगा तो चेस्ट आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी। सो गाइस, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं और अपने वर्कआउट के अंदर यूज करते हैं, आई बिलीव कि आपका जो वर्कआउट है वो इम्प्रूव होगा, मसल डेवलपमेंट अच्छा रहेगा और आप बेटर तरीके से मसल्स को फील कर पाएंगे और अच्छा कॉन्ट्रैक्ट भी कर पाएंगे। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज निशांत फ्रॉम प्रो मेथड्स साइनिंग ऑफ।